नमस्कार, नीताज किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ हरी मटर का रायता। हरी मटर का रायता खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगता है और इसको बनाना बहुत ही आसान है। हरी मटर का रायता बनाने के लिए मैंने हरी मटर ले ली और उसके आधा कप दाने निकाल लिए और उन्हें उबाल लिया। उसमें से कुछ दाने मैंने चौथाई कप के करीब रखे हैं और चौथाई कप के करीब मैंने उनको दरदरा पीस लिया है। हरा धनिया लिया है बारीक कटा हुआ, एक हरी मिर्ची बारीक कटी हुई, साथ ही नमक है सादा नमक चौथाई चम्मच, चौथाई चम्मच काला नमक है और भुनासी का जीरा पाउडर है ये भी चौथाई चम्मच है। एक कप ताज़ा दही उसको मैंने फेट करके लिया है, फेटते समय उसमें मैंने एक चम्मच शक्कर डाल दी थी। आइए इसे बनाना शुरू करते हैं। रायता बनाने के लिए मैंने एक बाउल ले लिया है। इस बाउल में हम इस फेटे हुए दही को डाल देते हैं। दही में हम सभी मसाला मिला देंगे, काला नमक, भुनासी का जीरा पाउडर और सादा नमक। साथ ही हरा धनिया और हरी मिर्ची, इनको एक बार अच्छी तरह से फेंट लेंगे ताकि सभी चीज़ें अच्छी तरह से आपस में मिक्स हो जाएं। मैंने सभी चीज़ों को आपस में अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब मैं इसमें दरदरे पीसे हुए मटर को डाल देती हूँ। फ्रेश मटर की जगह फ्रोजन मटर का भी उपयोग किया जा सकता है। दरदरी पीसी हुई मटर को मिला अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है मैंने इसमें। मटर के दाने डाल देती हूँ। सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है और ये मटर का रायता बनकर के तैयार हो गया है। तो मैं इसे सर्व कर लेती हूँ। हरी मटर के रायते को मैंने सर्व कर लिया है, ये बनकर के तैयार है। इसे आप पुलाव, चावल, रोटी, पराठा, पूड़ी किसी के साथ भी खाइए, बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। आप भी इसे बनाइए, खाइए और अपने अनुभव हमारे साथ शेयर कीजिए। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। मेरे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कीजिए। थैंक यू।